हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन या फिर इसी का दूसरा नाम है स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन, यही इसी का एक और नाम है, दिस इज़ द गैंग्लियन ऑफ हे फीवर। देखिए जी मतलब गैंग्लियन, ओके, यहाँ मैंने पूरा लिखा है, इसके बाद में शॉर्ट में जी जी लिख रहा हूँ, और या फिर इसे बोलते हैं हम मैकल्स गैंग्लियन, ओके। तो देखिए ये चारों नाम एक के ही है, नॉर्मली आपको क्या मिलेगा स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो देखिए एकदम तगड़ी वीडियो बनने वाली है, जैसे हमने पहले अपलोड की थी। देखिए हमने आल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज की वीडियो अपलोड कर दी है। आप एनाटॉमी के अंदर चार मतलब पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज पढ़ते हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे आप सिलियरी, दूसरा पढ़ेंगे स्पिनोपैलेटाइन, तीसरा पढ़ेंगे आप सबमेंडिबुलर, और चौथा पढ़ेंगे आप ओटिक। आपको चार गैंग्लिया पढ़ने हैं, ओके, और इन चारों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा ओटिक वाला। अदर से भी क्वेश्चन आते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रायोरिटी पर रखना है आपको ओटिक गैंग्लिया, ओके। तो देखिए इसके पहले हमने आपको पूरा का पूरा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एकदम पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक्सप्लेन किया था, चार्ट बना के एक एक चीज़ को खोल दिया था, ओके, क्योंकि हमने बताया था कि रटने का कुछ नहीं है। अगर आप चारों गैंग्लिया को एक साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी सिंपल हो जाएगी। तो देखिए इसके पहले हमने चारों गैंग्लिया की एक कॉमन वीडियो बनाई थी, देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा दिस इज सीलियरी स्पिनोपैलेटाइन सब मैंडिबुलर ओटिक। तो हमने चारों के चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की कॉमन वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि आपको ईच गैंग्लिया की फोर ब्रांच पढ़नी होती है, सेंसरी ब्रांच, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, या फिर पैरासिंपैथेटिक बोल दीजिए सिक्रीटो मोटर, और एक होती है हमारे पास मोटर ब्रांच। और हमने एक एक ब्रांच को याद करने का आपको मेथड बताया था कि सेंसरी ब्रांच मतलब आपको पढ़नी है क्रेनियल नर्व नंबर 5, सिंपैथेटिक ब्रांच मतलब आपको पढ़नी है ईच गैंग्लिया की एक आर्टरी, पैरासिंपैथेटिक के लिए हमने आपको बताया था 3779, ओके। तो देखिए इसकी सेपरेट वीडियो है आल पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियंस नाम से, साइड में आपको राइट साइड में टॉप पे आई बटन पे मिल जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को देखने से पहले आल स्पिनोपैलेटाइन को देखने से पहले आप देख लीजिए हमारी आल पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियोज, जिसमें मैंने चारों के चारों गैंग्लिया को कंपेरेटिव बता रखा है, ताकि आपके लिए ये वाली वीडियो और भी सिंपल हो जाए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए ये वाली वीडियो भी धांसू बनने वाली है, क्योंकि इसमें भी हम ओनली एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वही डायग्राम आपके लिए सफिशियंट है, उसके बाहर आई होप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या ड्रॉ करूँगा, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ओके। तो इसके ऊपर वाला मिड ब्रेन होगा, देन पोन्स होगा, देन मेडुला ओब्लोंगेटा होगा। तो दिस इज मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, ओके, एम बी मतलब मिड ब्रेन, एम ओ मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद देखिए हमने बताया था आपको आल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोस, जिसमें हमने चारों गैंग्लिया से कंपेरेटिव कर रखा है। तो दिस इज रिलेटेड टू मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजमाइनल। तो बेसिकली मैं यहाँ पर मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजमाइनल की शो कर रहा हूँ, मतलब वहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं बनाऊँगा दिस इज मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी से निकलती है गैंग्लियोनिक ब्रांच, क्योंकि बेसिकली मैक्सिलरी से जो गैंग्लियोनिक ब्रांच निकलती है वही तो कहाँ जाती है, हमारे स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियो में। तो दिस इज मैक्सिलरी नर्व ब्रांच ऑफ ट्राइजमाइनल, इससे नीचे कौन सी गई, दीज आर गैंग्लियोनिक ब्रांच, जो कि हमारी जाएगी पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को, कौन से वाले को, स्पिनोपैलेटाइन को। और मैंने यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा गैंग्लिया ड्रॉ कर दिया। और आपको पता होगा मैक्सिलरी से एक और ब्रांच निकलती है, उसका नाम है जाइगोमेटिक ब्रांच। तो ये ऊपर वाली ब्रांच है, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच, और जाइगोमेटिक आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है। टू पार्ट कौन से, एक होती है जाइगोमेटिको फेशियल, तो ये हुई जाइगोमेटिको फेशियल, और ऊपर वाली होगी जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ओके। तो दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, जाइगोमेटिको फेशियल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल। देखिए अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे हम, ओनली अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हमारा एंटीरियर व्यू, मतलब दिस इज नोज, उसके बाद क्या होंगे, दिस इज लिप्स एंड दिस इज चिन, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ बनाऊंगा मैं हार्ड पैलेट, और बेसिकली हार्ड के पीछे क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट, ओके। तो आगे वाला हार्ड है, पीछे वाला सॉफ्ट है, तो ये हो गया पैलेट, ओके। अब आते हैं इनकी ब्रांचेज पे। तो देखिए हमने आल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो, जिसमें हमने कंपेरेटिव स्टडी की थी सारे गैंग्लिया की, तो हमने बताया था कि जो इसकी कहाँ पे है हमारा चार्ट, ये रहा, सॉरी ये रहा, ओके।
देखिए, हमने यहाँ पे पूरे कंपेरेटिव स्टडी की थी, यहाँ बताया था स्पिनोपैलेटाइन, इसके लिए हमने ड्रॉ करनी है मैक्सिलरी नर्व, तो हमने ये पूरी मैक्सिलरी ही ड्रॉ की है। उसके बाद सिंपैथेटिक, छोड़िए अभी सिंपैथेटिक की बात नहीं कर रहे, उसके बाद देखिए पैरासिंपैथेटिक या सिक्रेटोमोटर, इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टू नर्व, टू मतलब ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड डीप पेट्रोसल नर्व। मतलब देखिए ना, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज, इन दोनों ऑरेंज के बीच का पूरा मटेरियल किसका है, सेकेंड वाले का, सेकेंड वाला मतलब स्पिनोपैलेटाइन। तो हमें बेसिकली ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड डीप पेट्रोसल नर्व ड्रॉ करनी है, किसके लिए, पैरासिंपैथेटिक के लिए। हमने बताया था ना 3, 7, 7, 9, तो दोनों कहाँ से निकलती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल। तो बेसिकली फेशियल नर्व निकलती कहाँ से, पोन्स से। तो आते हैं हम पोन्स के पास, तो पोन्स पे मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस का नाम क्या है, दिस इज द सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। इससे निकलती है हमारी फेशियल नर्व की एक ब्रांच, उसका नाम क्या है, दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। मतलब फेशियल नर्व आगे जाके बनाता है जेनिकुलेट गेंगलियो, और जेनिकुलेट गेंगलिया से निकलती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ओके, तो फेशियल नर्व ने बनाया जेनिकुलेट गेंगलियो, और जेनिकुलेट गेंगलियो से निकली हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। और बेसिकली इसे पैरासिंपैथेटिक गेंगलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ सिनेप्स बनता है वो पैरासिंपैथेटिक ब्रांच बनाती है, न सेंसरी ब्रांच बनाएगी न मोटर ब्रांच बनाएगी, यहाँ पे जो सिनेप्स बनेगा वो पैरासिंपैथेटिक ब्रांच के थ्रू बनेगा, इसीलिए बोला पैरासिंपैथेटिक गेंगलियन। ओके, तो इसका नाम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं बार बार रिपीट करूँ, तो इस न्यूक्लियस का नाम क्या है, दिस इज सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। तो दिस इज सुपीरियर सेलिवेट्री न्यूक्लियस। ओके, तो इस न्यूक्लियस का नाम है, दिस इज सुपीरियर सेलिवेट्री न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है ये वाला। ओके, इससे निकली दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, मतलब यहाँ पे होता है आगे जाके बनता है जेनिकुलेट गेंगलियो, और उससे बनती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ओके, और बेसिकली ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और नीचे से आती है डीप पेट्रोसल, कहाँ से आती है, आर्टरी से भी बताएंगे हम, ओनली ड्रॉ करते, दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमें सिंपैथेटिक ब्रांच के लिए क्या ड्रॉ करनी पड़ती है, आर्टरी, चाहे कोई सा भी गेंगलिया हो, सीलियरी हो, स्पिनोपैलेटाइन हो, सबमैंडिबुलर हो या ओटिक हो, कोई सा भी गेंगलिया हो, अगर आपको उसकी सिंपैथेटिक ब्रांच बनानी है तो बेसिकली आर्टरी के अराउंड जो प्लेक्सिस होता है वही सिंपैथेटिक ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे आर्टरी बनाऊंगा, तो बेसिकली ये आर्टरी हो गई। और हमने बताया था आर्टरी का एक आइडिया बताया था कि कौन सी आर्टरी होगी, हमने बताया था सिक्वेंस से चार गेंगलिया, सीलियरी, स्पिनोपैलेटाइन, सबमेंडिबुलर एंड ओटिक। तो ऊपर के जो दो गेंगलिया होते हैं उनके लिए जो आर्टरी होती है वो होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज, और नीचे वाले दो होते हैं उनके लिए जो आर्टरी होती है वो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज। ओके, तो बेसिकली ये कौन सा है, ग्रेटर पिट, सॉरी सेकंड वाला ही तो है, स्पिनोपैलेटाइन सेकंड नंबर पे ही तो है, हमने बताया था ना कहाँ पे, आर पैरासिंपैथेटिक गेंगलियो नाम से। तो दिस इज सेकंड नंबर गेंगलिया, तो इसके लिए जो आर्टरी होगी दिस इज कौन सी होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मतलब सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे बेसिकली पहले बनाते हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, तो ऑरेंज से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सिंपैथेटिक वाला पोर्शन, सॉरी येलो से, तो ये आई, इसके अलावा आर्टरी के चारों ओर इसने प्लेक्सिस फॉर्मेशन किया, और बेसिकली जो ये इससे एक नर्व निकली, इससे ब्रांच निकली, वो किसके साथ चली गई, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के पैरेलल। ओके, और बेसिकली कहाँ गई, गेंगलिया के अंदर। ओके, तो जो ये सारा मैंने ड्रॉ किया है, बेसिकली ये आर्टरी कौन सी है पहले, तो दिस इज, इस आर्टरी का नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसके चारों तरफ क्या है, प्लेक्सिस। तो लिख रहा हूँ मैं सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है। अब बेसिकली इसने ये ब्रांच दी, इस ब्रांच का नाम क्या है, इसे बोलते हैं बेसिकली डीप पेट्रोसल नर्व। तो दिस इज डीप पेट्रोसल नर्व। ओके, तो दिस इज डीप पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, दोनों साथ साथ चलती है, और बेसिकली दोनों एक साथ जहाँ पे होती है उसको एक बोलेंगे, इन दोनों आगे जाके एक साथ हो गए। ओके, अब देखिए आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो प्लेक्सिस हुआ उससे निकली डीप पेट्रोसल नर्व। तो बेसिकली जो आर्टरी के अराउंड प्लेक्सिस बना वो कहाँ से आया, नीचे से, नीचे से मतलब सर्वाइकल सिंपैथेटिक गेंगलिया से। तो देखिए आपको बताऊंगा सर्वाइकल रीजन में तीन गेंगलिया होते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया, मिडिल सर्वाइकल गेंगलिया एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गेंगलिया। तो ये जिससे आती है उसे बोलते हैं दिस इज सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया। ओके,
तो जो नीचे वाला आया यहाँ पे एक सिनेप्स बना, और सिनेप्स मतलब गेंगलिया, सिनेप्स को जो गेंगलिया बोलेंगे। ओके तो यार इसको थोड़ा यूँ कर देते हैं, यहाँ पे सिनेप्स बना रहे हैं। ओके दिस इज सिनेप्स। ओके तो अरे यार दिख नहीं रहा। ओके लेकिन यहाँ सिनेप्स बना, बेसिकली ये सिनेप्स, इस सिनेप्स को क्या बोलते हैं, दिस इज सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया। और यहाँ से कहाँ से आया, ये आया टी वन सेगमेंट से। ओके तो दिस इज टी वन से आया, टी वन से तार निकला, तार निकल के इसने क्या बनाया, देखिए टी वन टी टू टी थ्री टी फोर चारों मिलकर बनाते हैं सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेटिक गेंगलिया। तो लेकिन जो इसमें जो सिंपेथेटिक ब्रांच होती है उसमें ओनली टी वन वाला पोर्शन होता है। ओके तो यहाँ पे गेंगलिया बन गया, देखिए ना इसे पैरासिंपेथेटिक क्यों बोला, क्योंकि पैरासिंपेथेटिक ब्रांच आके यहाँ सिनेप्स बना रही है। इसे सिंपेथेटिक क्यों बोला, क्योंकि सिंपेथेटिक ब्रांच यहाँ आके सिनेप्स बना रही है। तो ये क्या है, इसे बोलेंगे सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेटिक गेंगलिया। तीन होते हैं देखिए ना, सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर, तो ओनली सुपीरियर बोलना है। तो ये है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेटिक गेंगलियन, देखिए जी मतलब गेंगलियन, एस वाई मतलब सिंपेथेटिक। ओके तो ये है दिस इज सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेटिक गेंगलिया। ओके उससे अगला देखिए ना, गेंगलिया बना, इसके पहले वाला क्या होगा प्री सिनेप्टिक, इसके बाद वाला क्या होगा पोस्ट सिनेप्टिक। ओके मतलब जो 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 नर्व इसके अंदर रिले कर रही है किसके अंदर, मतलब किसके अंदर जा रही है, ये पैरासिंपेथेटिक, ये है स्पिनोपलेटन गेंगलियो, इसके अंदर जो जा रही है वो क्या है पोस्ट सिनेप्टिक ब्रांच है। देखिए ना सिनेप्स यही बन गया, तो इसके पहले क्या होगी प्री सिनेप्टिक, इसके बाद वाली क्या होगी पोस्ट सिनेप्टिक। ओके तो टी वन से तार निकला, इसने बनाया सर्वाइकल सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेटिक गेंगलियन। उसके बाद ये वाइंड अप हुआ, चारों तरफ राउंड हुआ, किसके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के चारों तरफ इसने राउंड अप किया, और बेसिकली इसने एक ब्रांच बनाई, उस ब्रांच का नाम क्या है डीप पेट्रोसल नर्व। और बेसिकली डीप पेट्रोसल नर्व ग्रेटर पेट्रोसल नर्व दोनों के दोनों कहाँ गई, ये गई हमारी टेरेगोइड कैनाल में। ओके और दोनों को दोनों नर्व जैसे ही टेरेगोइड ग्लैंड के अंदर गई, तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल, नर्व ऑफ PTERY नर्व ऑफ टेरेगोइड कैनाल। ओके इन दोनों को एक साथ, देखिए ग्रेटर पेट्रोसल डीप पेट्रोसल दोनों के दोनों कहाँ गई, एक साथ टेरेगोइड कैनाल के अंदर गई, तो दोनों नर्व को एक साथ क्या बोल दिया नर्व टू टेरेगोइड कैनाल, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं विडियन नर्व। क्या बोलते हैं विडियन, एमसीक्यू मिल सकता है इसलिए लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं विडियन नर्व। ओके तो नर्व टू टेरेगोइड कैनाल या बोल दीजिए विडियन नर्व। ओके ये हो गया, अब देखिए दोनों के दोनों अंदर गई कहाँ पे गेंगलिया के अंदर। अब देखिए बेसिकली गेंगलिया में बेसिकली बन गया प्रीसिनेप्टिक, इसके देखिए सिनेप्स यहाँ बना रहा है ना, रेड वाली सिनेप्स बना रही है यहाँ पे, तो इसके पुली वाली क्या होगी रेड वाली प्रीसिनेप्टिक। ओके तो ये हो गई, तो देखिए हमने सिंपेथेटिक ब्रांच देख ली, सिंपेथेटिक ब्रांच कौन सी होती है इसकी, इस गेंगलिया की सिंपेथेटिक ब्रांच, सिंपेथेटिक ब्रांच होती है डीप पेट्रोसल नर्व। ओके ये हो गई। ओके अब आते हैं ये गेंगलिया बन गया, अब बेसिकली इसके बाद हमें ड्रॉ करनी है इसकी पोस्ट सिनेप्टिक ब्रांचेज, या फिर हमारी टेरिकोपेरेटन गेंगलिया की ब्रांचेज कौन कौन सी होती है ये देखना है हमें। तो देखिए हमें यहाँ पे टोटल पांच ब्रांचेज देखनी है इसकी, फाइव ब्रांचेज। सबसे फर्स्ट होगी ये वाली, सेकेंड होगी ये वाली, नंबर थर्ड, दिस इज नंबर फोर्थ ब्रांच एंड दिस इज नंबर फिफ्थ ब्रांच। ओके देखिए मैंने जगह के हिसाब से बनाया है, यहाँ पे मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली लेक्राइमल ग्लैंड, तो दिस इज लेक्राइमल ग्लैंड। ओके तो ये है लेक्राइमल ग्लैंड, ये है लेक्राइमल ग्लैंड, ओके ये हो गई। ओके तो ये हो गई लेक्राइमल ग्लैंड। ओके तो देखिए इसके बाद हमने इसकी पांच ब्रांच ड्रॉ की, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है, दिस इज मैक्सिलरी नर्व, ये है हमारी MAXILLAR, दिस इज मैक्सिलरी नर्व। ओके ये है मैक्सिलरी नर्व, उसके बाद ये क्या है, दिस इज स्पिनोपलेटन बोल दीजिए, टेरिकोपलेटन बोल दीजिए, उसके बाद मैक्सिलरी नर्व, ये क्या है, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच। ओके तो दिस इज द जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ
फेशियल नर्व वो जाइगोमेट्रिक की टू होती है, दिस इज जाइगोमेट्रिको फेशियल एंड जो ऊपर वाली है ये क्या है, दिस इज जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल। ओके तो देखिए जो रेड वाली है वो कहाँ जा रही है, पहले गई मैक्सिलरी नर्व में, मैक्सिलरी नर्व के बाद गई जाइगोमेट्रिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी में, फिर उसके बाद गई जाइगोमेट्रिको टेम्पोरल में, उसके बाद ये एक छेद के अंदर जाती है, उस छेद को क्या बोलते हैं, तो थोड़ी छेद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद देखिए आगे जाके क्या देती बनती है, ये सिलियरी ब्रांच, सॉरी लेक्राइमल ग्लैंड है तो क्या बनती है, लेक्राइमल ब्रांच। ओके तो देखिए पांच देखनी है, 1 2 3 4 5 एक जा रही है लेक्राइमल ग्लैंड को, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज लेक्राइमल ब्रांच, तो दिस इज लेक्राइमल ब्रांच। ओके तो देखिए लेक्राइमल ब्रांच ये हुई हमारी फर्स्ट ब्रांच, हमें पांच ब्रांच देखनी है, 1 2 3 4 5 देखिए ये वाली।